नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चमोली में आपदा में लापता हुए सहारनपुर के 3 निवासियों का अब तक नहीं चला कोई पता। परिजनों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। गागलेडी भगवानपुर रोड पर हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। 10 फरवरी को सहारनपुर में आगमन करेगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। जिले को मंगलवार को मिलेगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली में आपदा में सहारनपुर 3 निवासी युवक लापता, परिजनों में मचा रो रो कर कोहराम। नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अम्बेटा निवासी 3 युवक चमोली में मजदूरी करने के लिए गए थे। कल से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिससे परिजनों का बुरा हाल है। परिजनों ने सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। सहारनपुर के अधिकारीगण तीनों युवकों की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। गागलहेड़ी भगवानपुर रोड पर हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 4 गंभीर घायल। आपको बता दें कि गागलहेड़ी भगवानपुर रोड पर हरियाबास के समीप 2 मोटरसाइकिल पर सवार मकवाबाद से भगवानपुर की ओर पेड़ लगाने जा रहे थे। आगे चल रहे मोटरसाइकिल सवार ने ट्रक को ओवरटेक किया तो बाइक सवार सुमन और सलमान दोनों सगे भाई ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे समुन पुत्र भूरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरी ओर मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चिलकाना में 10 फरवरी को होगी प्रियंका गांधी की जनसभा। बीते दिन रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें सहारनपुर के दौरे को लेकर चर्चा हुई। 10 फरवरी को सहारनपुर में प्रियंका गांधी पहुंचेगी और अभी तक जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार प्रियंका गांधी माता शाकुंभरी देवी के दर्शन को आएंगी। इसके बाद पास में ही रायपुर खानगाह जाएंगी। यहाँ से प्रियंका गांधी चिलकाना में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेगी। जिले को कल मिलेगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की दूसरी खेप मंगवाने की तैयारी कर दी है। आज सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लेने के लिए मेरठ रवाना हो चुकी है। कल मंगलवार को टीम मेरठ से 7,160 वैक्सीन की डोज लेकर सहारनपुर पहुंचेगी। इस बार कोविड शील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन अधिक मिलने की उम्मीद है। वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। भारी संख्या में किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, डीएम कार्यालय में जाकर किसानों की समस्याओं को किया उजागर। बकाया गन्ना भुगतान, शुगर मिल किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर में पेड़ काटते हुए बड़ा हादसा, एक महिला की हुई मौत। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में इस्माइलपुर रोड पर खेत में पेड़ काटते समय महिला के ऊपर पेड़ गिरने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रमोद कुमार अपने खेत में गन्ने काटने के लिए अपनी पत्नी के साथ खेत में गया था। ठेकेदार द्वारा पेड़ काटने का कार्य चल रहा था। वहीं 35 वर्षीय सुषमा के सिर पर भारी भरकम पॉपुलर का पेड़ सिर पर गिरने से खून से लथपथ महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। रामपुर मणिहारन ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष रेखा धनगर के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मेरठ के पत्रापुर थाना क्षेत्र के रिठानी गांव में 17 वर्षीय युवक आकाश की निर्मम हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें घटना की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।